मैं यतिवर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल बताऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना मैं यति राशि यतिवाणी कार्यक्रम राशिफल के बीच में पेश किया करता हूं, आज भी मैं राशिफल के बीच में यतिवाणी कार्यक्रम पेश करूंगा। और आज का जो मेरा विषय है वह है घर में अलमारी कहाँ रखना चाहिए या घर में तिजोरी कहाँ रखना चाहिए। इस बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी मैं आपको यतिवाणी कार्यक्रम में दूंगा। इस समय सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन का पंचांग क्या है। आज दिनांक 18 जून 2019 मंगलवार का दिन आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:31 तक रहेगी, फिर द्वितीय तिथि शुरू होगी। गंडमूल संज्ञक मूल नक्षत्र दिन में 11:51 तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा दिन रात धनु राशि में गोचर करता रहेगा। राहुकाल दोपहर को 4:04 से शाम को 5:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 1:06 तक रहेगा। आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है, इसलिए अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो उत्तर दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा। आज से आषाढ़ मास शुरू हो गया है। अब यह था आज के दिन का पंचांग और अब देखते हैं कि आज का दिन 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए आज का दिन लाभ प्रदान करने वाला बन गया है। अब आप थोड़ा सा सतर्क रहकर काम पर ध्यान दें तो जल्दी ही बड़ी सफलता आपके हाथ में लग जाएगी और पैसे टके की सुविधा भी बन जाएगी। निजी हित के काम आप पहले करें, स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा विपरीत गोचर वाला हो गया है। आठवां चंद्रमा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से कुछ चिंता बढ़ा सकता है। धैर्य के साथ आप काम करें, कल या दो दिन में आगे सब कुछ ठीक अपने आप ही होता चला जाएगा। आप आज चिंता मुक्त रहने का ही प्रयास करें। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आज का दिन खुशनुमा है। जीवन साथी स्थान का चंद्रमा है, इसलिए आप यदि विवाहित है तो आज आप अपने जीवन साथी के साथ खूब एंजॉय करें, और यदि कुंवारे हैं और प्रेम प्यार में रुचि रखते हैं तो आज आपको अपने मित्र के साथ मिलने का मौका मिलेगा या अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका के साथ मिलने का मौका मिलेगा। प्रेम प्यार का इजहार भी आज आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आज का दिन साधारण है। आज आप अपने काम पर ध्यान दें और लोग सलाह देते हैं तो उनकी सलाह सुने जरूर, मगर किसी समझदार आदमी की सलाह लेकर ही आज काम करेंगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा और सफलता भी मिलेगी। आपको अच्छे नए और पुराने मित्र दोनों से ही मुलाकात होगी। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। वैसे तो आपको इस समय में शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा होगा, लेकिन आज का दिन आपके पक्ष का बीतेगा। आवक में भी बढ़ोतरी होगी और यात्रा का योग भी बना हुआ है, साथ ही कोई नया काम भी आप करना चाहें तो आज आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज का दिन ठीक है, लेकिन आज आपको आपके काम में बहुत मेहनत और ध्यान देकर सावधानी से करने की मेरी सलाह है। सुखों में आपके आज ज़रूर कुछ बढ़ोतरी होने वाली है। आपको बड़े काम करने से पहले परिवार की सबकी सलाह लेनी चाहिए और आज आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए, यह मेरी आपसे सलाह है। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए आज का दिन शानदार सफलता प्रदान करने वाला बन गया है। आपको आज अगर आपको कोई नया पद ग्रहण करना है या फिर कोई नया काम शुरू करना है तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार में आनंद और उत्साह रहेगा और कोई शुभ मांगलिक कार्य भी संपन्न करना चाहे तो आप करवा सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल के बीच में मैं एक यतिवाणी कार्यक्रम पेश किया करता हूँ, तो आज का मैं यतिवाणी कार्यक्रम अब शुरू करता हूँ। और आज का जो विषय है, घर में तिजोरी या फिर अलमारी कहाँ रखना चाहिए। सबसे पहले यतिवाणी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको यतिवाणी कार्यक्रम में यह बताऊंगा कि धन रखने का जो अलमारी या तिजोरी होता है उसको हमें अपने घर में कहाँ पर रखना चाहिए। अलमारी हमारे घर के सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण सामानों में से या फिर हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण एक वस्तु होती है। अलमारी को हम अपने गहने अलमारी के अंदर हम अपने गहने रखते हैं, कपड़े रखते हैं या कीमती जो सामान होता है वह ज़रूरी रखते हैं। कोई मकान के कागज़, दुकान के कागज़ या किसी सौदे के कागज़, बैंक के कागज़ आदि सब अलमारी में रखते हैं। जो हमारे घर की अलमारी है वह हमारे घर की अर्थव्यवस्था के लिए हमारे घर में बैंक जैसा काम करती है और इसका सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति पर
पड़ता है। आपने अलमारी को घर के किस कोने में रखा है, अलमारी के अंदर कौन कौन सा सामान रखा है, अलमारी का रंग कौन सा है, इन सभी बातों का असर घर की अर्थव्यवस्था पर यानी कि धन की आवक और जावक यानी अमीरी और गरीबी पर सीधा पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो अलमारी को वास्तु के हिसाब से रखने पर आपके घर धन की वर्षा हो सकती है, लेकिन यदि आपने वास्तु नियमों का पालन नहीं किया आपके घर पर दरिद्रता भी प्रवेश कर सकती है। आज मैं आपको यह जानकारी बता रहा हूँ, जो भी यह सब वास्तुशास्त्र के अनुसार या वास्तुशास्त्र के अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ, यह सब चीज़ें वास्तुशास्त्र में हैं, लेकिन जो मैं आपको अभी पहला पॉइंट यानी पहला उदाहरण आपको बता रहा हूँ, वास्तु का जानकारी दे रहा हूँ, उसमें मैंने वास्तु के हिसाब से भी बताया है और मैंने मेरा अनुभव भी बताया है। घर की अलमारी के दरवाजे कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं खुलने चाहिए। जिन अलमारियों के दरवाजे दक्षिण दिशा की ओर खुलते हैं यानी कि उत्तर दिशा में रखी जाती है अलमारी और उसका जो दरवाज़ा दक्षिण दिशा में खुलता है, वैसी अलमारी हमेशा घर के अंदर खाली रहती है, उसके अंदर धन जमा नहीं रहता है, ना ही धन उसमें बढ़ता है। लेकिन यह जो मैंने अभी बताया यह तो था वास्तुशास्त्र के अनुसार, लेकिन मेरा जो खुद का वास्तु का अनुभव है, मैंने कई घरों में वास्तु विजिट किया था और वहाँ पर मैंने देखा कि घर की जो अलमारी है वह उत्तर दिशा में रखी हुई है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उत्तर दिशा में धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर उत्तर में रहते हैं, तो हम उत्तर में अलमारी को रखा। धन की समस्या नहीं होती है, उत्तर की अलमारी में धन खूब प्रचंड मात्रा में भी बढ़ता है, ऐसा कई जगह पर मैंने अनुभव किया। समस्याएं दूसरी हो सकती है घर में, उसके लिए विजिट करना पड़ता है, लेकिन वास्तु के अंदर यह वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि दक्षिण में अलमारी रखना चाहिए, उसका मुंह उत्तर में खुलना चाहिए तो धन वृद्धि होती है। लेकिन कई घरों में जहां पर उत्तर दिशा में अलमारी रखी है वहां भी प्रचंड मात्रा में धन की आवक रहती है और हमेशा बढ़ता ही रहता है, वृद्धि होती रहती है। दूसरा देखते हैं कि अलमारी को कभी भी जो रखते हैं ज़मीन पर, जिस स्थान पर हम उचित समझ कर रखते हैं वहाँ पर उसको ज़मीन से टच करके नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे ईंटों का या फिर लकड़ी का पार्ट आदि कुछ भी ऐसा रख कर अलमारी को थोड़ा ज़मीन से ऊपर रखना चाहिए। तीसरा देखते हैं घर का जो उत्तर का और पूर्व का ईशान कोना होता है वह भगवान का स्थान होता है, वहाँ आप घर का मंदिर बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर धन रखने की तिजोरी या फिर अलमारी नहीं रखना चाहिए। चौथा देखते हैं कि घर का जो दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण होता है वहाँ पर आप अगर अलमारी रखेंगे तो यह ज़्यादा शुभ स्थिति रहती है। पश्चिम अलमारी के अंदर जो भी आप धन रखेंगे उसमें हमेशा वृद्धि और बरकत होती रहेगी, आपके फालतू खर्चे कभी नहीं होंगे। पांचवा देखते हैं कि अलमारी के अंदर बनी तिजोरी को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। जो अलमारी के अंदर कहीं से खाने होते हैं उसमें एक अलग से ढक्कन लगाकर खाना दिया हुआ रहता है, तो आपको वह जो छोटा खाना जिसको हम तिजोरी भी अलमारी का कहते हैं, ऐसी जगह को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। वहाँ पर कुछ ना कुछ पैसे या सिक्के या कोई चांदी के सोने के जेवर आदि रखना चाहिए। अगर छठा मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो अलमारी की तिजोरी है उसके अंदर आप धन जेवर कागजात आदि रखते हैं, यह अच्छी बात है। साथ में ही अगर आप सिद्ध किया हुआ स्फटिक का एक श्री यंत्र भी रखते हैं तो उससे भी आपको बहुत धन वृद्धि होती है। स्फटिक के अलावा आप छोटा लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, कुबेर का, चांदी का अगर कोई मूर्ति है तो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो भी लगाते हैं वह भी शुभ है, और इसके अलावा आपको अगर लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी आप तिजोरी के ऊपर या अलमारी के ऊपर चिपका सकते हैं। सातवां देखते हैं अलमारी के अंदर 1, 3, 5, 7 चांदी के सिक्के ज़रूर रखें। इसके अलावा आप अगर रखना चाहते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 गोमती चक्र भी आप रख सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से जो कुछ शुभ चीज़ समझते हैं वह इस अंकों के हिसाब से आप रखें। आठवां देखते हैं
कि अलमारी का या तिजोरी का रंग कैसा होना चाहिए। जो अलमारी और तिजोरी का रंग होना चाहिए वह बिल्कुल हल्के शेड का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर, गहरा कलर, बहुत ज़्यादा ब्लू, गहरा लाल या काला ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइट शेड होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। नौवां देखते हैं, घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अलमारी रखने से पहले उस स्थान पर, यानी कि जहाँ अलमारी रखते हैं उसके नीचे आप शुद्धिकरण पूरा कर लेवें पहले। अगर ज़रूरत हो तो आप उसको सफ़ेद माटी से भी पोत सकते हैं, यानी कि सफ़ेद रंग कर सकते हैं। अब दसवां देखते हैं कि अलमारी पर कभी आप धूल ना जमने दें, अलमारी पर कोई वजनदार वस्तु ऊपर ना रखें, और अलमारी के ऊपर कभी ये जो अपने आईना लगा रहता है, शीशा लगा रहता है, अगर ऐसी स्थिति में है आपका वो अलमारी का शीशा जिसके अंदर आप कभी भी देखते हो तो पीछे आपको टॉयलेट दिखाई देता हो या बाथरूम दिखाई देता हो या फिर उतरती हुई सीढ़ियाँ दिखाई देती हो या फिर घर का चूल्हा जलता हुआ दिखाई देता हो, तो आप ऐसे अलमारी के ऊपर लगे हुए शीशे को पर्दे से हमेशा ढककर रखें। आज मैंने आपको यतिवाणी कार्यक्रम में 10 बातों पर जानकारी दी वास्तुशास्त्र के अनुसार। वास्तुशास्त्र में धन के संबंध में, स्थान पर, अलमारी के बारे में और अनेक विषयों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी हुई है। मैं आपको आगे आगे हर प्रकार की जानकारियाँ देता रहूँगा। अगर आपको धन के संबंध में और कोई विषय में आपको पूछना हो तो मैं नीचे मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक के लिंक को भेज रहा हूँ, आप उसमें मेरे को सवाल कर सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप मेरे को कुंडली के लिए अपनी जन्म डिटेल ना भेजें, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं रहता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे को और भी मिलने वाले लोग होते हैं और मेरा खुद के काम होते हैं, ज्योतिष के संबंधित जो होते हैं, बाहर के लोग जो मेरे को शुल्क भरते हैं उनको मेरे को कुंडलियाँ पूरी डिटेल में समय में पूरा समय देकर बताना पड़ता है। तो मैं आपको कभी भी उतावल में या जल्दबाजी में कुंडली नहीं बता सकूँगा, उसके लिए आपको धैर्य के साथ में इंतजार करना पड़ेगा। तो आज यतिवाणी में यही सब, इतना ही। कल फिर मैं आपको यतिवाणी में किसी नए विषय पर जानकारी लेकर आऊँगा और बताऊँगा। अब देखते हैं बाकी बची हुई हमारी राशियों की, आज उनका दिन कैसा बीतेगा। अगली हमारी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन अच्छा है, सितारे पक्ष के बन गए हैं। कोई भी काम करने से आपको धन लाभ भले ही आज कम हो, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति आज बहुत मजबूत होने वाली है, या ऐसा योग बना हुआ है। आप परिवार के कार्य में व्यस्त रहेंगे, कुछ आवश्यक खरीदारी करना हो तो भी आज के लिए आपका दिन अच्छा है। जैसे कि खरीदारी में कोई फिक्स फर्नीचर खरीदना है, कोई वाहन खरीदना है, या फिर बर्तन है, कपड़े हैं, आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। अब देखते हैं धनुराशि। धनुराशि के लिए आज का दिन हर तरफ से अच्छा बना है, आपको बस अपने काम में रुचि लेकर करने से जल्दी वह पूरा हो जाएगा और आर्थिक लाभ भी आज मिल जाएगा आपको। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं, आज आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, और पुराने उधारी आदि के पैसे भी आज आपको मिल जाए, ऐसा भी योग बना हुआ है। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा किंतु परंतु वाला है और उदासीनता से भरा हुआ भी लग रहा है। आज कोई छोटी छोटी बातों में आपको चिंता बढ़ा सकती है या आपकी चिंता में आपको डाल सकती है। किसी को आज आप कड़वी भाषा में या कोई अपशब्दों जैसी बात ना कहें, नहीं तो आज आपका अपमान भी हो सकता है। आज आप किसी पर आंख मूंद करके भी भरोसा ना करें। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा है, शुभ और लाभदायक है। आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं या अपने काम का विस्तार कर सकते हैं। अपने व्यापार और व्यवसाय में व्यस्त रहेंगे, शाम होते होते लाभ भी मिल जाएगा, मित्रों और परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा, और कुल मिलाकर दिन आपका बहुत अच्छा है। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि के लिए आज का दिन अच्छा है, वैसे तो अभी काफ़ी मेहनत करने का समय चल रहा है, लेकिन आज का दिन थोड़े से प्रयास से आपको काम बन जाएगा। आज आपको बड़े अधिकारी या फिर परिवार के बड़े सदस्य का भी सहयोग मिलेगा। धन भले ही आज ना मिले, लेकिन आपको आज की मेहनत का जो फायदा है वह कल या परसों तक में आगे जरूर मिल जाएगा। यह था आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल। राशिफल के बीच में आज मैंने यतिवाणी कार्यक्रम में आपको बताया है कि घर में धन रखने का स्थान यानी कि अलमारी या फिर तिजोरी कहाँ रखना चाहिए। कल फिर मैं नए वीडियो में नए पंचांग, नए राशिफल और फिर नए यतिवाणी में किसी नए विषय पर जानकारी लेकर आऊँगा और आपके बताऊँगा। तब तक जय जिनेंद्र।